बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाखबर सुबह और मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान अनीका नसार। नाजरीन, आपकी सुबह को एक बार फिर बाखबर मनाना है और बहुत सारी खबरें लेकर आपके सामने हाजिर हैं। सबसे पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर की बात करेंगे और वो बात करेंगे कि यूजुअली पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत फोर स्टार जनरल्स की मुद्दत मुलाजमत 3 साल हुआ करती है, लेकिन नाजरीन उसमें अमेंडमेंट करने की बात आ गई और ये अमेंडमेंट किसी और की जानिब से नहीं बल्कि बजाते खुद वजीर आजम साहब के हवाले से, वजीर आजम साहब के कहने पर करने की बात की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि 3 साल की बजाय ये मुद्दत मुलाजमत 4 साल होनी चाहिए, 4 स्टार जनरल्स 4 साल मुद्दत मुलाजमत होने की जा रहा है। इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने पैनल का तारुफ करवाऊंगी। फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट, उनके साथ तशरीफ फरमा है तनवीर शहजाद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, दोनों से बात करेंगे। फारूक साहब, सबसे पहले तो बताएं 4 स्टार 4 साल ये होने क्या जा रहा है, क्यों मुद्दत मुलाजमत जो है बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, 3 साल काफी नहीं थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, ये खबर पिछले साल भी आई थी, खबर सर्कुलेट कर रही थी कि गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है कि जो हमारे 4 स्टार जनरल्स हैं, चाहे वो आर्मी चीफ हो, नेवल चीफ हो, एयर चीफ हो या चेयरमैन जॉइंट चीफ, यही 4 अपॉइंटमेंट्स हैं ना 4 स्टार की, तो इनके जो टेन्योर ऑफ सर्विस है वो भी 3 साल है, उसको बढ़ा के 4 साल कर दिया जाए। ये पिछले साल खबर आई थी और उस वक्त ये भी खबर थी कि जनरल राहिल शरीफ साहब ने स्पेशली, जो कि इस साल 28 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, चेयरमैन जॉइंट चीफ भी इस साल 28 नवंबर को नवंबर के महीने में रिटायर हो रहे हैं, तो उस वक्त ये खबर आई थी कि जनरल राहिल शरीफ साहब ने कहा कि जनाब ये अगर आपने करना है तो मेरे जाने के बाद जो आने वाले लोग हैं उन पे ये जो है ना अमेंडमेंट लागू होनी चाहिए। और आपने देखा कि इस साल जनवरी में फिर जब एक हाइप क्रिएट हुई कि जनरल राहिल शरीफ जो है गलबन एक्सटेंशन चाहते हैं और ये तमाम ये जो उनकी इमेज बिल्डिंग पाकिस्तान में हो रही है, हर शहर में उनके पोस्टर लग रहे हैं, इतने पॉपुलर हो गए हैं, तो लिहाजा शायद कोई एक्सटेंशन के मामला हैं, तो इस चीज़ पर उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली आके कहा कि जनाब मैं किसी एक्सटेंशन को नहीं कबूल करूंगा और मैं अपने ड्यू डेट पर रिटायर होंगे जो उनकी डेट है 28 नवंबर। अच्छा, अब इस बैकग्राउंड में अगर ये खबर, ये डेवलपमेंट हुई है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने लॉ मिनिस्ट्री को कहा है कि आप ड्राफ्ट अमेंडमेंट लेके आए ताकि नेशनल असेंबली में पाकिस्तान आर्मी एक्ट को अमेंड करने की तरमीम जो है वो की जाए, अब इसके बड़े इंप्लीकेशन है। पहली बात तो ये है कि ये टाइमिंग इसकी क्या है, इस वक्त क्यों ये बात चल रही है, क्या अपना नवाज शरीफ साहब इन हालात में जबकि बड़ी बड़ी खबरें सर्कुलेट कर रही हैं, मतलब उसको र्यूमर कहें जो भी कहें, स्पेकुलेशन कहें कि पता नहीं क्या होने वाला है इस मुल्क में, तो फौज को किसी तरह वो अपीज करने की कोशिश कर रहे हैं, फौज को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इमीडिएट इफेक्ट तो यही है ना, आर्मी चीफ 28 नवंबर खबर आती है कि एक पेज पे है, कभी खबर आती है एक पेज पर नहीं है। एक इंपॉर्टेंट बात है, दूसरी चीज ये कि अगर मुझे इससे देखे ना, अगर ये अमेंडमेंट थ्रू होती है, कैरी फॉर थ्रू होती है, तो इससे एक एक नेगेटिव इंप्रेशन हुकूमत का क्रिएट करने में कामयाब हो जाएगी अबाउट द आर्मी चीफ, देखें जी, और आम आदमी में कि देखें जी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन तो उन्होंने लेनी नहीं थी, तो ये हुकूमत ने एक तरीका निकाला है उनको एक साल और हुकूमत के नेगेटिव इंप्रेशन के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये बताइएगा कि पहले बात की गई एक पेज पर है, फिर बात की गई एक पेज पर नहीं है, अब ये एक्सटेंशन की बातें सामने आ रही है, जाहिर है ड्यू डेट पर अगर उन्होंने रिटायर होना है, ड्यू डेट आगे चली गई, फिर क्या करेंगे तनवीर साहब? बात यह है कि इस बारे में हतमी जो मौकफ है वो तो ISPR ही दे सकता है कि राहिल शरीफ साहब इस पर क्या सोच रहे हैं, क्या इस पर ये इस्तफादा करेंगे या नहीं करेंगे। मेरे लिए ये बात इत्मीनान का बायस है कि पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत ये फैसले कर रही है कि 4 स्टार जनरल जो हैं इनकी मुद्दत मुलाजमत कितनी होनी चाहिए। हमने देखा ज़ियाउल्लाह दौर में वो खुद ही फैसला कर लिया करते थे, इशफाक परवेज कैरी साहब को मुद्दत मुलाजमत में तोसी दी गई, तो मैंने पूछा उन्होंने कहा कि एक पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर जो अब दुनिया में नहीं है, उन्होंने मैंने कहा कि आपने आर्मी चीफ को मुद्दत मुलाजमत में तोसी दी, उससे कहा नहीं भाई, पीपल्स पार्टी की हुकूमत को 3 साल तोसी मिल गई है, ये इस तरह की। अब देखना ये है कि ये मुद्दत मुलाजमत में तोसी किसके कहने पे कौन कर रहा है, क्या जमहूरी हुकूमत का फैसला है। मैं ये समझता हूँ कि एक तो ये है कि अगर नवाज शरीफ साहब अगले आर्मी चीफ अपनी मर्जी के बंदे के लिए 4 साल करने जा रहे हैं तो ये मुनासिब बात नहीं है, इसके लिए तमाम स्टेक होल्डर से मशवरा होना चाहिए, एक प्रोफेशनल डिसीजन होना चाहिए, पब्लिक डिबेट होनी चाहिए, पार्लियामेंट को एतमाद में लेना चाहिए, फिर सोच समझ के इसका फैसला करना चाहिए। फारूक साहब ने टाइमिंग्स की बात की, टाइमिंग्स क्या है, पनामा लीक के ऊपर हुकूमत फंसी हुई है, इसको रिलीफ चाहिए। आर्मी चीफ चाइना का दौरा करके आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट खत्ते की सूरत हाल है, क्या यहाँ पे क्यादत लीडरशिप की तब्दीली मुमकिन है, नहीं मुमकिन है, क्या मसला है। सऊदी अरब और अमेरिका का तनाव बढ़ रहा है,
ये जो 24 मुल्कों का इत्तेहाद था उसके हवाले से भी खबरें आई थी, वो भी चीज़ें इसमें देखिए अच्छा। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, इसके ऊपर हुकूमत को और एस्टेब्लिशमेंट को मिलजुल के ठीक फैसला। ये तो पॉजिटिव चीज नहीं जाएगी कि राहिल शरीफ साहब जो है ज़रबे अज़्ब को लीड कर रहे हैं, तमाम चीजों को लीड कर रहे हैं, हुकूमत चाहती है कि करप्शन भी खत्म हो, दहशतगर्दी भी खत्म हो, ये तो पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं देगा। नेगेटिव इसलिए आता है कि हो सकता है इसमें एक हुकूमत का एक शरारत का एलिमेंट हो कि जनरल राहिल शरीफ का इतना इमेज बना हुआ है पाकिस्तान में और न सिर्फ पाकिस्तान में दुनिया में, और जबकि वो एक दफा कह चुके हैं कि मैंने 28 नवंबर के बाद आई विल नॉट बी इन सर्विस, मतलब उन्होंने ये इंप्रेशन भी दिया कि कोई इंडिस्पेंसिबल नहीं है। अब अगर आप इस तरह सकमेंट करके इसी चीज को करते हैं तो लोगों के जहन में ये आएगा कि भाई जनरल राहिल शरीफ और जनरल जिया में कोई फर्क नहीं, जनरल राहिल शरीफ और जनरल कयानी में कोई फर्क नहीं, और जनरल राहिल शरीफ और जनरल मुशर्रफ में कोई फर्क नहीं बनाना चाहिए। तो मैं इसकी इतनी सी इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन ये देखें, अगर आप अभी इसको 4 साल करते हैं और जनरल इसमें जनरल राहिल शरीफ भी आ जाते हैं और वो, तो ये जो पूरा इस साल जो एक चेन है हमारे सीनियर ऑफिसर्स का जो ड्यू है फॉर प्रमोशन 28 नवंबर के लिए, तो वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। अच्छा, लेकिन उसका एक हल है तनवीर साहब, हो सकता है कि अंदर के खाने ये भी बात चल रही हो कि उन ऑफिसर्स को चांस देने के लिए कि वो भी 4 स्टार तक मेरिट के अपना आए, तो फौज में एक सिस्टम है कि वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की पोस्ट क्रिएट की जाती है जनरल की। देखिए एक इसको जस्टिफाई करने का एक और ये भी वजह बन सकती है, और वो ये कि आर्मी चीफ, खासकर आर्मी चीफ का जो रोल है पाकिस्तान में डोमेस्टिकली इंटरनेशनली इतना बढ़ गया है कि फॉरेन पॉलिसी में वो इन्वॉल्व हैं, अपना इंटरनल सिक्योरिटी पूरे मामलों में इन्वॉल्व हैं, उसके बाद अफगानिस्तान सी पैक में इन्वॉल्वमेंट है कि आर्मी चीफ क्यामत नहीं आएगी। 4 साल अगर जरूरी है तो ये भी अगर देखो मौजूदा आर्मी चीफ जो है उनकी सिक्योरिटी के हवाले से शानदार खिदमत है, उन्होंने अच्छा काम किया है, उन्होंने डिलीवर किया है, दहशतगर्दी के खात्मे में उनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है, वो पॉलिसीज को जानते हैं। अगर उनकी मुद्दत मुलाजमत में तौसी की जाए तो कोई क्यामत नहीं आएगी, ये एक अच्छा इकदाम होगा मशवरे से, लेकिन 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 परेशानी की बात फिर होगी अगर आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी कर दी जाए और आर्मी चीफ उसको कबूल कर लें, उसके बाद पनामा लीक्स का मसला भी खत्म हो जाए, अपोजिशन की जमातें भी बैठ जाएं, हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडे में भी खत्म हो जाए, वो फिर परेशानी की बात होगी अगर ऐसा हो। एक और एंगल से भी क्विकली देख रहा हूँ कि अगर ये अमेंडमेंट थ्रू होती है और जनरल राहिल शरीफ 28 नवंबर से पहले कहते हैं जी मुझे ये मैं जा रहा हूँ, मैं रिटायर होकर आई एम गोइंग होम, पाकिस्तान में एक बड़ा प्रेशर जनरेट होगा, वाकई जेन्युइन प्रेशर जनरेट होगा कि जनरल साहब अब जब एक लीगल तरीका एक हो गया है जिसमें, तो लिहाजा हम चाहते हैं कि आप रहें, तो एक नहीं, वो नहीं, बात तो तब आएगी ना फारूक साहब के रेट्रोस्पेक्टिव में ये कानून लगेगा या नहीं लगेगा। बड़ी अच्छी बात की, देखें ये फैसला होना है कि जब हम रिट्रोस्पेक्टिव कहते हैं मतलब ये कि जो मौजूदा जो मौजूदा लोग पीछे तो लोग रिटायर होकर चले गए, मौजूदा लोग जो है जो अपनी मुद्दत करेंगे तो वो फिर आगे 4th साल में चले जाएंगे। अब ये फैसला होना है कि ये आने वाले लोग जो हैं जो उनके लिए लागू होगा, उनके लिए लागू होगा या जो मौजूदा लोग हैं उन पे इस पे लागू होगा। ठीक है, अब ये सवाल है, और 4 स्टार जनरल्स को 4 साल देना क्या पाकिस्तान के लिए सही होगा या नहीं होगा, ये वजीर आजम साहब डिसाइड करेंगे और तमाम चीजें सामने आ जाएंगी। क्या राहिल शरीफ साहब भी इसी अमेंडमेंट के अंडर 1 साल और सर्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये भी डिसाइड होना बाकी है। लेकिन डिसीजन के बाद एक कार्रवाई हुई, और कार्रवाई क्या हुई नैब के हवाले से आपको बताते हैं। नैब ने छापा मारा वजारत खारजा है उसमें, और वहां एक डायरेक्टर बराए खारजा अमूर शफकत अली चीमा साहब को गिरफ्तार कर लिया। उनके ऊपर बड़े संगीन किस्म के जो हैं वो तमाम चीजें लगाई गई, इल्जाम लगाए गए, और उनके अंदर ह्यूमन स्मगलिंग भी है। तनवीर साहब, एक डायरेक्टर बैठा हुआ इधर से ह्यूमन स्मगलिंग करे, ब्लू पासपोर्ट बेचे, ये तो बड़ी अजीबो गरीब चीज हो गई, किसी को पहले नहीं पता था। देखिए अब तो सूरत हाल ये है कि माजी में जब हम रिपोर्टिंग किया करते थे तो पता चलता था एक्साइज डिपार्टमेंट में करप्शन है, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट में करप्शन है, पुलिस में करप्शन है, यानी क्या फॉरेन ऑफिस में करप्शन है, इस बात पे हम सोचते ही नहीं थे। इस पे मेरे इल्म में नहीं है कि नैब ने कभी फॉरेन ऑफिस पे छापा मारा हो, इस तरह का बदला लिया हो। बात ये है कि ये जो डायरेक्टर हैं शफकत अली चीमा साहब, इनके ऊपर नाजायज असासे बनाने का इल्ज़ाम है, इनके ऊपर इंसानी स्मगलिंग का इल्ज़ाम है, इनका रिमांड अब लिया जा रहा है, लाहौर उनको मुंतकिल कर रहे हैं। बात यह है वजारत खारजा के अंदर अगर करप्शन हो रही है, जो लोग फाइनेंशियल करप्शन में है वो मुल्क का मुफाद क्यों नहीं बेच सकते? ये बहुत एक मैं इस पर बहुत कंसर्न हूँ, ये बहुत फिक्रमंदी की बात है कि वजारत खारजा में ये कोई आम छोटा आदमी नहीं था, ये डायरेक्टर लेवल का आदमी था, ये बहुत ग्रेड 20 ऑफिसर था, ये एक सीनियर आदमी था जो पॉलिसियां बनाता है।
क्या इसको अगर मोदी पैसे दे दे तो ये पाकिस्तानी मुफाद नहीं बेच देगा, क्या इसको ओबामा अगर कोई लालच दे दे ये नहीं कर देगा, इसकी ओवरहाल करने की जरूरत, ओवरहॉलिंग की जरूरत है वजारत खजाना की। दूसरी बात ये वजारत खारजा को ठीक करने की जरूरत है। दूसरी बात, यूरोप में जितने सफीर हम भेजते हैं वो बेशतर उसमें से ऐसे हैं जो वहाँ की नेशनलिटी ले लेते हैं, और एक नया तरीका ये आया जो टॉप लेवल के सिफारतकार हैं पाकिस्तान के, शाहिद मलिक साहब हैं, दूसरे लोग हैं, ये सेठों की नौकरियां करते हैं। चलिए इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन मुझे बता दें शफकत अली चीमा साहब पर कोई आम जो इल्जाम है वो नहीं है, ब्लू पासपोर्ट बेचना। पहले हम लोगों ने आईडी कार्ड बेचने की बात सुनी थी बलूचिस्तान में, अब फारूक साहब ये ब्लू पासपोर्ट बेचने की बात। देखें ये जब स्पेन में पोस्टेड थे तो 2000 पासपोर्ट इन्होंने वहां पे जो इलीगल पाकिस्तानी आए हुए थे जो जाते यहाँ से उनको उन्होंने वो पासपोर्ट इशू किए, बहुत बड़ा स्कैम बन गया, इनको स्पेन से मुल्क बदर किया गया। अच्छा, और दूसरी चीज ये कि एक वक्त ऐसा आया था ये सर्विस से डिसमिस हो गए थे क्योंकि बेसिकली करप्ट आदमी थे, लेकिन क्या वो हमारा निजाम ऐसा है, आई एम सॉरी टू से हमारा लीगल सिस्टम है जो कि करप्ट ऐसे लोगों को वो प्रोटेक्ट करता है, वो जनाब कहीं पत्नी कौन से ट्रिब्यूनल में गए, कोर्ट में गए, उन्होंने उनको बहाल कर दिया, ठीक है ना। और दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट, ह्यूमन स्मगलिंग की बात भी हो रही है, इसका मतलब यह है कि जो एक प्रिविलेज है, जो मुझे एक अपना तजुर्बा है कि फॉरेन ऑफिस में एक प्रिविलेज है कि जो भी डिप्लोमेट ग्रेड 18 या 19 अबव जाता है उसको एक मेड, उसको सर्वेंट ऑथराइज होता है, वो बाहर ले जा सकते हैं लीगली कानून के मुताबिक। तो कई मरतबा क्या होता है कि लोग नहीं लेके जाते हैं तो दाएं बाएं जो जानने वाले लोग होते हैं उनसे ये पैसे लेते हैं, ठीक है ना जी, ऐसी चीज भी हुई है, और उनको भेज देते हैं, वहां पे जाके वो गायब हो जाते हैं। तो ये अब ह्यूमन स्मगलिंग इन्फॉर्म होना, जाली पासपोर्ट देना, करप्ट प्रैक्टिस, एक दफा डिसमिस होना, मैं समझता हूँ फॉरन ऑफिस में, ये तनवीर साहब सही कह रहे हैं, फॉरन ऑफिस में तो कहा जाता था ये देर आर पीपल ऑफ क्लास, द बेस्ट पीपल जो सी एस एस एग्जाम में होते थे वो टॉप लोग, ठीक है तनवीर साहब। मुझे बताइएगा ऐसा तो हो नहीं सकता कि शफकत अली चीमा साहब अकेले काम कर रहे हो, ब्लू पासपोर्ट का इजरा भी खुद कर रहे हो, ह्यूमन स्मगलिंग भी खुद कर रहे हो, बाहर के लोग भी मिले होंगे, अपने अंदर के लोग भी मिले होंगे, ये कब पता चलेगा? तफ्तीश तो होनी चाहिए ना। देखिए तफ्तीश भी होनी चाहिए, उस नेटवर्क का पता चलाना चाहिए, एक अकेला आदमी ये काम नहीं कर सकता। किस बंदे ने इसकी पोस्टिंग की, किसने इसको सस्पेंशन के दौरान फेवर दे के बहाल करवाया, कौन से सियासी लोग इसके पीछे हैं, कौन से माफियाज के साथ इनका ताल्लुक है, इन सब के ऊपर तहकीक होनी चाहिए। मैं आपको जो पहले बात कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि एक आदमी जो बहुत सीनियर सफारतकार है वो अपनी मुद्दत मुलाजमत के दौरान अपनी अगली रिटायरमेंट के बाद की नौकरी पक्की करने के लिए किसी बिजनेस ग्रुप से एफिलिएशन करता है, उनके वीज़े के मामलों, पासपोर्ट के मामले, वीज़े के मामला, इनको लुक आफ्टर, मुख्तलिफ डेस्टिनेशन पे उनकी एक्सपोर्ट्स को लुक आफ्टर करना, बाद में वो मुलाजम हो जाता है एक बड़े बिजनेस ग्रुप का। देखिए बात यह है कि जो वजारत खारजा के अफसरान हैं इनकी इंटेग्रिटी, इनकी क्रेडिबिलिटी ये इंश्योर होनी चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए कि ये अपनी वफादारियाँ जो हैं ये मुल्क की इंटरेस्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना करें। दो चीज़ें, इनको एक वक्त पे जब ये तमाम इनको पनिशमेंट हुई थी कई साल पहले, 10 साल के लिए इन पे बैन लग गया था कि ये कोई फॉरेन पोस्टिंग पे नहीं जाएंगे, जारी बात है अगर वहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं पाकिस्तान में उधर जाके मुल्क का शमशाद अहमद फॉरेन सेक्रेटरी खारजा रहे हैं, एक छोटी सी गाड़ी के ऊपर लाहौर की सड़कों पे खुद ड्राइव करते हैं, ड्राइवर रखने की और यहाँ हाल ये एक ड्राइवर जो है तमाम जो असासे हैं उससे ज्यादा आमदन नजर आ रही है, और आमदन डेफिनेटली कहीं ज्यादा होगी, असासों से ज्यादा होगी, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। नैब ने ये कार्रवाई की, लेकिन नैब के अपने ऊपर भी कार्रवाई हो गई। केपी के डीजी नैब के हवाले से आपको बताए कि उनके ऊपर इल्जाम ये लगाया है, और उनके ऊपर साफ साफ इल्जाम ये लगा है कि उन्होंने एक तो रिश्वत ली, दूसरा ये कि अपने सबॉर्डिनेट्स यानी अपने से जूनियर लोगों को उन्होंने टॉर्चर का निशाना बनाया। ये अगर नैब तमाम चीजें कर रही है वो इस तरह से सामने आ जाए, नहीं मेरी खबर थोड़ी डिफरेंट है, सॉरी। डीजी नैब जो केपी है उन पे रिश्वत लेने की इल्जाम नहीं है, इल्जाम ये है जो एफआईआर उन पे और उनके एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पे एफआईआर हुई है वो ये कि एक नायब कासिद था उनका जिसने प्रटेंड किया एज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और किसी केस में म्यूनिसिपल कमिटी कॉर्पोरेशन ऑफिसर से 2 लाख रुपए जो हैं वो उसने लिए अपना रिश्वत ली। अब ये गलत बात है, नैब का कानून बड़ा क्लियर है कि कोई भी शख्स जो उनकी कस्टडी में हो जिसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है उस पर ना कोई टॉर्चर हो सकता है ना कोई थर्ड डिग्री के मामला हो सकते हैं। ये कह रहे हैं कि उसकी रिपोर्ट में कि उसको अपना टॉर्चर के निशानात हैं, ब्रूजेस हैं लेग्स पे, टांगों पे वगैरह, तो अगर तो उसको मारपीट किया गया और नैब का अपना चपरासी अगर ये किया गया है तो गलत है, लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन कार्रवाई ये नहीं होती है, नहीं कार्रवाई टॉर्चर नहीं होता, अपने सबॉर्डिनेट पे आप टॉर्चर नहीं करते, नहीं मैं किसी पे भी नहीं कर सकते। आप देखिए अगर नैब फारूक साहब अगर नैब अपने नैब कासिद पे
इस तरह वहशियाना तशद्दुद करती है तो बेगानों के साथ क्या सलूक करती होगी? आप अंदाजा करें, और नैब तो फिर जरा भली मांस किस्म की तफ्तीशी इदारा है, FIA क्या करती होगी, पुलिस क्या करती होगी, दूसरे इदारे क्या? आप देखिए, हमने कराची में नहीं देखा कि रेंजर की हिरासत में एक आदमी के ऊपर जिस तरह तशद्दुद हुआ, उसकी जान चली गई, हमने इंक्वायरी भी ऑर्डर की गई। हमने लाहौर और कराची के पुलिस मुकाबलों की कहानियां नहीं सुनी कि हमेशा मुजरम ही मरता है, हमेशा वो एक ही तरह की कहानी, एक ही तरह की स्टोरी सामने आती है। देखिए, ये जो जिन लोगों पे इल्ज़ाम होता है उनके हकूक होते हैं, हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को इंसानी हकूक का ख्याल रखना चाहिए। जब तक एक जुर्म साबित नहीं होता, मुल्ज़िम मुल्ज़िम है, आप अगर आप उसके खिलाफ एप्लीकेशन आई है, कोई इल्ज़ाम लगा है, तो आपको उसको ठीक तरीके से हैंडल करना चाहिए, कानून के दायरे में रहते हुए आप इंसाफ फराहम करें। अच्छा, क्या हमारी तफ्तीशी तरीका कार पुराना और फरसूदा नहीं हो चुका? फारूक साहब, मारने पीटने से तो कोई कुछ बताता नहीं है ना, उसके लिए आपको तफ्तीशी तरीका कार को इंप्रूव करने की जरूरत है। सही है कि अब जिस तरह तवीर साहब ने कहा, अगर FIA हो, पुलिस हो और ऐसे इदारे हों, कई दफ़े इंटेलिजेंस एजेंसी भी वो इंटरोगेशन के दौरान वहाँ पे थर्ड डिग्री ये इस किस्म के काम होते हैं, हालांकि वो होने नहीं चाहिए, लेकिन समाउदियादर ये चीज़ है, हमारे मुल्क में भी है और बाकी ममालिक में ये प्रैक्टिस होती है। लेकिन नैब जैसे इदारे जो कि फाइनेंशियल क्राइम्स और ऐसी चीज़ें इन्वेस्टिगेट करते हैं, यहाँ पे तो दुनिया में भी बहुत कम हमने सुना है कि ऐसे इदारे जो हैं इस किस्म के थर्ड डिग्री मेथड जो इस्तेमाल करें, और नैब में होना तो बड़ा बिल्कुल गलत है, नहीं होना। एक मुझे केस याद है, आज से तकरीबन 10 साल पहले एक शख्स नैब की कस्टडी में, उसको मारा पीटा नहीं गया था, लेकिन वो इतना स्ट्रेस में आ गया था, टेंस हो गया था, तो उसका हार्ट अटैक हो गया, नी डाइड। तो ये एक ऐसा केस है, लेकिन बात ये है कि नायब कासद के हवाले से तो नायब बड़ा शेर हो जाता है, लेकिन बासर लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इसकी टांगे पंजाब के अंदर, पंजाब में मैं आपको बहुत से केसेस बता सकता हूँ, कहां गया नैब में जो मेगा स्कैंडल के केस में पेश होता है, लोगों के ऊपर कार्रवाई होने लगती है, तो वजीर आजम साहब की तरफ से भी कोई ना कोई स्टेटमेंट आ जाता है, जो भी हो, लेकिन नैब तो एक खुद मुख्तार इदारा है, वाकई में खुद मुख्तार है फारूक साहब? नहीं, देखिए, एक बात खुद मुख्तारी वो तो क्वेश्चनेबल है, लेकिन एक बात पे नैब को क्रेडिट दें कि कुछ पिछले दिनों में बड़ा तेजी भी आई है। अब मसलन कल कराची में उनका अपना एक असिस्टेंट डायरेक्टर है, वो रिश्वत लेने के चक्कर में उन्होंने उसको किया, उसको जेल में बंद कर दिया, ठीक है। इसी तरह उनके दो साबिक डीजी भाई, किसी नैब के अफसर की बीवी पार्लर चली जाए, वो भी हो गया। जाए तो वो पहुंच वो जाते हैं उसका इंतजाम करने, वो भी जिस इदारे में खुद करप्ट लोग हों, जिसके इदारे के अंदर खुद जालिम और कानून तोड़ने वाले वो किस तरह इंसाफ कर सकता है? नहीं, आप जरा देखें कि कितने लोग नैब के अंदर मौजूद हैं जिनके खिलाफ इंक्वायरी नहीं है, जिनके ऊपर जुर्म साबित हुए हैं, जिन्होंने कानून तोड़ा है। चले, कानून तो एक और भी टूटा है और वो भारत ने तोड़ा है, और वो भारत ने क्या कानून तोड़ा है, पाकिस्तान ने UN को लिख भी दिया है। भारत की हरकतें तो जरा देखें, अजीब हथकंडे हर रोज अपनाने की कोशिश करते हैं। अब ये जो है बिल पास करवाने की कोशिश, क्या बिल पास करवाने की कोशिश, के जहां भी सरकारी तौर पर कश्मीर, मकबूजा कश्मीर को भारत का के मैप का हिस्सा नहीं बताया जाएगा या नहीं लिखा जाएगा, वो जुर्म करार दिया जाएगा। तनवीर साहब, ये क्या चीज हुई कि आप जो है वो इस तरीके से भारत के बीच में डाल दें, कश्मीर को किस तरीके से डाल सकते हैं, तो इंटरनेशनल लॉज की खिलाफ वर्जी? देखिए, बात यह है कि भारतीय पार्लियामेंट में ये जो बिल आया है ये मुतनाज़े बिल है। इसमें कहा गया है कि जो भी बंदा नक्शा छापेगा भारत का, भारत के अंदर रहते हुए, अगर उसने कश्मीर को भारत का हिस्सा ना दिखाया तो उसको जुर्माना होगा, सजाएं होंगी, उसके लिए लंबे चौड़े इकदाम उन्होंने लिखे हैं। ये हकायक के खिलाफ भी है, ये कानून के खिलाफ भी है। कश्मीर मुतनाज़े इलाका है, इसको कश्मीर अक़वामे मुत्तहिदा भी मानती है, बैनुल अक़वामी बरादरी भी मानती है। जनाब, अगर कश्मीर इंडिया का इलाका है तो आप मुज़ाकरात किस बात पर करने जा रहे हैं? आप ये जो मुशर्रफ दौर में जिस एग्रीमेंट के ऊपर आपने एक अपनी कंसेंट दी थी, आप एग्री किया था आपने, वो क्यों किया आपने? आप आज तक जो बात कर रहे हैं, देखिए, बात ये है कि कश्मीर दिलों को जीतने से, दिलों को फतह करने से मिल सकता है इंडिया को, लेकिन ये बिल पास करने से नहीं मिल सकता। ये कश्मीर के अंदर जो रद्देमल इस बिल के हवाले से आ रहा है, बैनुल अक़वामी बरादरी जिस तरह देख रही है, हमारी बदकिस्मती ये है कि अक़वामे मुत्तहिदा की करारदाद तो हमारे पास है, लेकिन हमारा फॉरेन ऑफिस जो है अगर वो इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस होगा, कितनी इंटरनेशनल सपोर्ट हमारे पास है कश्मीर के ऊपर, कितना अपने आप को आलमी दुनिया से हम अहंग करने की कोशिश की है। भारत की बात करें, अफसोस की बात ये है कि हम लोग किसी मंसूबे की इफ्तिताह पे जाते हैं और वहाँ
पाकिस्तान को की बजाय कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाया जाता है, हम एहतजाज तक नहीं करते। वैसे असूलन ये होना चाहिए था, ठीक है वो कहते हैं फातमी साहब के हमने वहाँ पे उस वक्त प्रोटेस्ट किया था, उनको कहा था जी इसको आप रिमूव, उन्होंने कहा जी ये तो पेंटिंग है जिसमें ये जो कासा 1000 वाला प्रोजेक्ट था। असूलन होना ये चाहिए था कि इनको कहते कि जनाब आप इसकी इनॉग्रेशन जो कासा 1000 बिजली वाला प्रोजेक्ट है दुशांबे में जो ताजिकिस्तान में इनॉग्रेशन, इसको आप 2 घंटे लेट कर रहे हैं, लेकिन या तो उस चीज को रिमूव कर दें या उसको पेंटिंग में अमेंडमेंट करके उसको ठीक कर दें। वो बाद में प्रोटेस्ट किया वो बात, लेकिन जो वो चाहते थे इंडियन तो चाहते थे वो तो काम हो और गया। उसी के बाद अच्छा, सामने आया। लेकिन अब इंडियन ने एक और देखा ना, उनका ये लीडरशिप पे डिपेंड करता है कि आपकी लीडरशिप कितनी नेशनलिस्टिक है, कितनी नेशनलिस्टिक है, ये मेरे अल्फाज लफ्ज पे आप गौर करें। इंडियन ने क्या किया, अल जजीरा ने ऐसी कई चीज शो की कुछ हफ्ते पहले, इन्होंने 1 हफ्ते के लिए अल जजीरा चैनल जो है उसको बंद कर दिया कि जब तक आप नक्शे में कश्मीर को इंडिया का हिस्सा नहीं दिखाएंगे। लेकिन 2 दिन पहले इस्लामाबाद में बड़ी अच्छी बात हुई, देखें एहसन इकबाल साहब, मैं हमेशा कहता हूँ इज वन ऑफ द गुड पीपल इन दी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, एक फंक्शन हो रहा मीटिंग हो रही थी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम वाले प्रेजेंटेशन दे रहे थे, उसमें यही उन्होंने नक्शा दिखाया प्रेजेंटेशन में जिसमें आजाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान एज पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है ना जी। एहसन इकबाल साहब ने वो प्रेजेंटेशन रुकवाई, उन्होंने कहा ये कागजात रिमूव करो और अगली मीटिंग उस वक्त होगी जब ये प्रॉपर नक्शा पाकिस्तान का और कश्मीर का। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूएनडीपी के लोगों से पूछा कि आपने कहां से ये नक्शा लिया, उनका हमने तो यूएसएड वालों से लिया, तो यूएसएड वाले भी पहले ये नक्शा दिखाते रहे। तो मैं कहता हूँ देखिये अगर आप चाहें, अगर आपकी नेशनलिस्टिक अप्रोच हो तो आप कर सकते हैं। अच्छा ये कहीं स्लो पॉइजनिंग तो नहीं हो रही तनवी साहब, आहिस्ता आहिस्ता कोशिश की जा रही है कि लोगों को इस चीज का आगे बनाया। आप ताजिकिस्तान के लोगों से झगड़ा कर लें, आप यूएसएड से झगड़ा कर लें, आप इंडियन पार्लियामेंट को मलाइन कर लें, इससे मसला हल नहीं होगा। मसला हल ये है कि पाकिस्तान ने क्या एक खत लिख के पाकिस्तान की जिम्मेदारी अदा हो गई, पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा को कंसर्न शो कर दिया, पाकिस्तान के फ़र्ज मुकम्मल हो गया। नहीं, पाकिस्तान को कश्मीर के मसले को जैसे उठाना चाहिए था वैसे नहीं उठाया जा सका, आलमी बरदरी को ठीक तरीके से अप्रोच नहीं किया जा सका। पाकिस्तान के अंदर अगर हम लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, डिस्टेबलाइज करते रहेंगे तो इन इश्यूज के ऊपर तवज्जो नहीं दी जा सकती। लेकिन आपने जो बात की ना स्लो पॉइजनिंग, ये मुझे बात बड़ी अपील की है, आपने स्लो पॉइजनिंग किया, लेकिन मकसद मेरे ख्याल आपके कहने का ये है कि आहिस्ता आहिस्ता इसको कश्मीर को बैकबर्न में डालने के लिए साइकोलॉजिकली इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इसको अब नक्शे में प्रॉपरली इंडिया में मर्ज कर ले, ठीक है ना जी, ताकि देखे ना ये भी तो एक हिकमत तमी होती है ना किसी। उन्होंने तो अपने आईन के अंदर अमेंडमेंट करके उसको शामिल कर लिया, उससे क्या फर्क पड़ा। लेकिन अजीब बात यह है कि कश्मीर के अमूर के लिए हमारे पास है मौलाना फजलुर रहमान साहब, और कश्मीर के हवाले से क्या हुआ कितने सालों में हमें कुछ मालूम नहीं, शायद मौलाना फजलुर रहमान साहब को पता हो तो हमें बता दें कि क्या किया उन्होंने। लेकिन अभी हमें जाना है ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद बात करेंगे सऊदी हुकूमत पर मुकदमा कैसे, आफ्टर ब्रेक। बैक ऑफ द ब्रेक, ब्रेक पे जाने से पहले सऊदी हुकूमत के हवाले से बताया था आपको कि अब मुकदमा उस पे कहां हो सकेगा। नाज़रीन अमरीकी सेनेट में एक बिल की मंजूरी की बात सामने आई, कहा यह गया कि 9/11 के मुतासरीन जो है अब सऊदी अरब पर भी मुकदमा कर सकेंगे। तमाम खुद मुख्तार मुमालिक के इस्तिस्ना को खत्म किया गया, तो इसके रिपरकशंस क्या होंगे ये बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी। क्या अमरीकी लोग या अमरीका में रहने वाले लोग तमाम मुमालिक पर इसी तरीके से मुकदमा चला सकेंगे? फिर तनवीर साहब ये क्या बात हुई कि 9/11 के मुतासरीन जो है सऊदी अरब पर भी मुकदमा कर सकेंगे? देखिए बात ये, अमरीकी सेनेट ने यह बिल मंजूर किया है और ये बिल मुत्तफिका तौर पे मंजूर हुआ है। इससे पहले बराक ओबामा ने कहा था कि उनकी पार्टी जो है इसकी मुखालफत करेगी, इस बिल को वीटो किया जाएगा, लेकिन उनकी पार्टी के लोगों ने भी इस बिल के हक में वोट दिए हैं, जिससे जाहिर होता है कि अमेरिका और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं वो किस कदर तनाव का शिकार हैं। देखिए अक़वामे मुत्तहिदा ने मुल्कों को खुद मुख्तारी को तस्लीम किया है, अगर ये बिल जो है इस पर अमल दरामद होता है तो जो मुल्कों का खुद मुख्तार मुल्कों का इस्तिस्ना है वो ख़त्म हो जाता है। क्या ये अमरीकी समझते हैं कि 9/11 का जो वाक़या है उसमें सऊदी अरब एज ए स्टेट मुलव्वस था? क्या अमरीका ने पूरी दुनिया के अंदर जो लोग मारे हैं, जो ड्रोन हमलों के अंदर मारे हैं, जो दहशतगर्दी की वारदातों में जो रेमंड डेविस जैसे लोगों ने किए हैं,
अगर सारी दुनिया के लोग अपने मुल्कों में ये कानून साजी करें और अमेरिका के ऊपर जो है हर्जाने के दावे करें, क्या उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंटेशन होगी? क्या ये जो रद्द अमल आ रहा है सऊदी अरब की तरफ से, सऊदी अरब ने कहा है कि जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के असासे हैं सऊदी अरब के अंदर, हम उनको भेज देंगे अमेरिका में और हम वहाँ से पैसा वापस ले आएंगे। देखिए, बात यह है कि जब रियासत कमज़ोर होती है तो दुनिया को मौका मिलता है कि वो जिस तरह से चाहें उनको दबा लें, उनको परेशान कर सकें। अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात ज़रा वीक हुए हैं ईरानियों के साथ, जब से अमरीकियों की कुर्बत थोड़ी सी बढ़ी है सऊदी अरब की मुश्किलात मजीद बढ़ रही है। अच्छा, यहाँ ईरान के साथ कुर्बत बढ़ी है, वहाँ तेल की कीमतें कम हुई हैं, उसके बाद फिर ओपेक कंट्रीज की जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर ईरान कहता है हम तेल की कीमतों को फ्रीज नहीं करेंगे, ये तमाम चीज़ें इस तनाजुर में आप देखते हैं कि पीछे अमरीका इस तमाम प्लानिंग के? देखें, अभी अमेरिका का इन्फ्लुएंस जो है, जारी बात है इन्फ्लुएंस तो है अपना रीजनल पॉलिटिक्स में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में, ये तमाम मामलों में, तो आप उसको ये नहीं कह सकते क्योंकि चाइना जो है वो अब काफ़ी तो पर आ गया और वो चैलेंज कर रहा है अमेरिकन सुप्रेमेसी को, और वो यूनिपोलर वाला जो कि एक सुपर पावर वाला मामला जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अभी तो अमेरिका का वो रोल तो है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि प्रेजिडेंट ओबामा चंद दिन पहले वो उन्होंने सऊदी अरेबिया का दौरा किया था, और ये जो बिगड़ते हुए हालात हैं, रिलेशन हैं सऊदी अरेबिया और अमेरिका के दरमियान में, इस पर बड़ी बातचीत हुई है। ये कह रहे हैं चंद सौ, 750 अरब डॉलर के एफर्ट्स हैं, असासे हैं सऊदी अरेबिया के अमेरिका में। अब देखें ना, कल को अगर ये विड्रॉ, उन्होंने थ्रेट किया था अगर आपने ये बिल पास किया हम ये विड्रॉ कर लेंगे या अपने एसेट्स वहाँ बेच देंगे, वो भी अमेरिका के लिए बड़े डिस्टर्बिंग होगा। और अगर वो एसेट्स कोर्ट में जब जाते हैं अपना अमेरिकन सिटीजन जो कि अफेक्टेड हुए थे 9/11 से, और वो क्लेम करते हैं फाइनेंशियल कंपनसेशन क्लेम करते हैं, तो कोर्ट वहां पे हुक्म देता तो उसमें पैसा फ्रीज होना शुरू हो जाएगा, तो वो सऊदी अरब के लिए बहुत अपना नुकसान दे होगा। उनकी इकोनॉमी तो ऑलरेडी 150 अरब डॉलर उनके जो रिजर्व हुए पिछले 1.5-2 साल में, और ऑयल प्राइसेस जो है वो अभी बड़ी मुश्किल से 45 डॉलर पर बैरल तक पहुंचे। सो ईरान का फैक्टर हो गया, सऊदी अरब की अपनी इकोनॉमी का फैक्टर हो गया, जो वहां पे अपना जो मामला चल रहे हैं रीजनल सुप्रीमेसी का, तमाम फैक्टर जो है ओवरऑल। अच्छा, अमेरिका के तालुकात के बारे में बड़ी अजीबोगरीब चीजें सामने आ रही हैं, वो ये कि अमेरिका के तालुकात ईरान से बढ़े हैं, सऊदी अरब से कम हो रहे हैं, पाकिस्तान को कोएलिजन सपोर्ट फंड की वो बात कर रहे हैं कि शायद हम ना दें और शरायत रख दिए, ये तमाम चीजें अब सवाल या निशान बन गया। जब फंड्स की बात कर रहे हैं, कोएलिजन सपोर्ट की फंड्स की बात की, तो फंड्स की तरह पाकिस्तान में भी बात कर लेते हैं। राजा परवेज अशरफ साहब के जमाने में फंड्स के इजरा पर सवालिया निशान खड़े होना स्टार्ट हो गए, और ये किसी और ने नहीं बल्कि अदालत ने खुद उठाए हैं और ये कहा है कि रिपोर्ट अगली समाज से पहले पहले दे दी जाए। फारूक साहब, फंड्स की खुरदबुर तो हम देखते रहते हैं, इधर उधर भी होते रहते हैं, गैर कानूनी तौर पर भी इजरा होता रहता है, ये कोई नई बात तो नहीं है? राजा परवेज अशरफ साहब के जमाने में भी होता रहा। देखें, ये सुप्रीम कोर्ट में कल बातचीत हुई है और उन्होंने कहा कि जितने डेवलपमेंट फंड्स हैं, तरक्याती फंड जो राजा परवेज अशरफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे पीपल्स पार्टी के लास्ट 12-14 महीने में, पिछले जो उनका दौर था, वो तमाम डिटेल्स जो है वो उनको सुप्रीम कोर्ट को बताई जाए। अब ये कोई पहली दफा ये चीज सामने नहीं आ रही, ये तो जब उनकी गवर्नमेंट खत्म हुई थी उसी वक्त के बाद ये खबरें आनी शुरू हो गई थी कि लास्ट कुछ महीनों में इन्होंने बेदरेग अपने लोगों को नवाजा है, खासकर अपने इलाके में सुहावा, यहाँ पे ठीक है कुछ उन्होंने वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए काम पैसे दिए थे, लेकिन मेरे ख्याल द फिगर वॉज अबाउट 40 बिलियन रुपीज जो कि निकाला गया। बल्कि अगर आपको याद हो कि राजा परवेज साहब की जो गवर्नमेंट का अखीला दिन सैटरडे था, सैटरडे को भी मुझे याद है, उसका नाम रखा गया ब्लैक सैटरडे, क्योंकि अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई थी, बैंक खुलवाए हुए थे और बड़ी मूवमेंट हुई थी। देखें, राजा परवेज अशरफ साहब पे ये केसेस नैप पे भी चल रहे हैं जो उन्होंने मिसयूज की अपनी अथॉरिटी डेवलपमेंट फंड की, रेंटल पावर प्लांट की भी पता नहीं 8-10 केसेस चल रहे हैं। असूलन क्या होना चाहिए? ये राजा परवेज अशरफ साहब, मैंने पहले एक दफा कहा था भाई इनको ECL पर तो डाल दिया है, इनको अरेस्ट होना चाहिए और इनको अरेस्ट करें ताकि ये तमाम चीजें आए तो इनसे पैसा रिकवर किया जाए। उनका वजीर आजम का टेन्योर छोटा था, ज्यादा होता तो पता नहीं क्या होता। तनवीर साहब, कुछ सवाब दीद होती है वजीर आजम की कि कुछ फंड्स के ऊपर वो इजरा कर सकते हैं, ये सवाब दीदी इख्तियारात क्या होते हैं वजीर आजम? देखिए, बात ये है कि तरक्याती बजट मंजूर होता है, असेंबली में डिस्कस होता है, एक एक बात को जेरे बहस लाया जाता है कि किन अमूर पे पैसे खर्चने हैं, कैसे खर्चने हैं, वो जो बजट डॉक्यूमेंट्स के अंदर चीज़ें आती हैं, अमल तो उन पर होना चाहिए।
मुझे इस बात की समझ नहीं है कि एक वज़ीर आज़म अपने स्वाबदीदी इख्तियारात को डेवलपमेंट फंड्स जो इतनी बड़ी तादाद में दिए गए थे ये क्यों देता है, और हमेशा ये हुकूमती जमात के लोगों को ही क्यों मिलते हैं, अपोजिशन के हलके जो हैं वो उनके लिए क्यों नहीं होते। देखिए पाकिस्तानी कौम का हाफजा कमज़ोर है। ये यूसुफ़ज़ई गिलानी साहब के मामला ले लें, क्या करप्शन की चीज़ें नहीं मिली? जरदारी साहब के करप्शन की चीज़ें नहीं मिली? जहांगीर बदर साहब, इत्ज़ाज़ हसन साहब की अहलिया के पास एलपीजी का कोटा, शर्जील मेमन। मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये अपनी पॉलिसी है कि ये जब हुकूमत में आते हैं तो फिर ये पैसा बनाते हैं। आज यही परवेज़ अशरफ साहब जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले रही है, अब दोबारा से जमहूरियत का दर्स देने लगे हैं, जाके तकरीरें करते हैं, ट्रांसपेरेंसी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट पे तनकीद करते हैं, करप्शन का दर्स दे देते हैं। तो हमारे फारूक साहब आजकल भी तो फंड्स बड़े एक्सट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, पानामा लीक्स का जब से मसला आया उसके बाद से फंड्स के दरवाजे खुले हैं। आप देखें कल जो प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं अपना डीए खंड गए हैं, वहाँ पे उन्होंने 50 करोड़ के यही है ना तरक्याती पैकेजेस। अब जारी बात है वहाँ पे सारा मामला कौन कंट्रोल कर रहे हैं? वो तो फजलुर्रहमान साहब जो है, अब पत्नी उनमें से कितने जो पैकेज आता है 50 करोड़ का, कितना पैसा लोगों की जेब में जाता है? कम अज कम 10 से 12 करोड़ तो लोगों की जेब में जाएगा, 20% के हिसाब से भी लगाया जाए। थोड़ा नहीं बता रहे आप? नहीं, हो सकता है ज्यादा भी हो, या हो सकता है 70-80% हो। तो ये देखे ना, ये मैं हमेशा कहता हूँ ये तरह का तरह। अब लोधड़ा वाले जो है उनको प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था, हमने पहले भी बात की, उनको 2-2.5 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज जो है इलेक्शन से पहले दिया गया था, जिसमें जहांगीर तरीन साहब जीते थे, वो किधर गया भाई? कितनी पाकिस्तान का आइन कहता है कि ये डेवलपमेंट बजट जो है ये बलदैती इदारों के जरिए से ही ये इस्तेमाल होना चाहिए, उन्हीं को इख्तियार दिए गए हैं। हमारा एमएनए, हमारा एमपीए साम बन के क्यों इन फंड्स के ऊपर बैठा रहता है? वो अपना काम नहीं करता, वो गलियां नालियां बनाने में। पहला तो ये है कि मैं ये जो राजा प्रियदर्शन साहब के दौर में जो तरक्याती पैकेज है ना, ये सारा फ्रॉड था। मैं समझता हूँ ये अरबों रुपए लूटे गए, मैं लूटने का लफ्ज़ इस्तेमाल। और दूसरा ये कि मैं हैरान हूँ, हम बार बार मैसेज दे रहे हैं, बता रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कि यार आपको पता है कि इस शख्स की बैकग्राउंड क्या है, आप फिर भी इनको साथ अपने खड़ा करते हैं और अपनी तकरीरें करते हैं। ठीक है, ऑपोजिशन की बात कर रहे हैं तो ऑपोजिशन की बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी के बड़े अहम इत्तेहादी रहे हैं कराची के हवाले से, सिंध के हवाले से एमक्यूएम ने एक अहम ऐलान कर दिया है। मुतहदा ऑपोजिशन चल रही है, पैनामा लीक्स का मसला चल रहा है, 7 सवाल उठाए गए, बहुत सवाल उठाने की बात की जा रही है, लेकिन एमक्यूएम ने अपना रास्ता अलहदा कर लिया है। कहते हैं हम मुतहदा ऑपोजिशन के साथ ही रहेंगे। ऑपोजिशन के अंदर कई ऐसे लोग हैं जिनके पैनामा लीक्स के अंदर नाम आ गए, तो फिर हम हुकूमत से कैसे सवाल करें? तनवीर साहब, डेयरिंग जरा डिसीजन है, बाकी ऑपोजिशन इकट्ठी है, एमक्यूएम अलग हो गई। मैं तो हैरान भी हूँ और परेशान भी हूँ। यानी एमक्यूएम ने कहा है कि चूंकि अपोजिशन जो है ये भी ऑफशोर कंपनियों की करप्शन में मुलव्वस है, इसलिए हमारे इनके ऊपर तहफ़ुज़ात हैं, हम इनके साथ नहीं बैठ सकते। भाई एमकेएम के जो चीफ हैं अल्ताफ हुसैन साहब, उनके घर से जो उनके ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम थे, जो वहाँ पे पैसे मिले, जो मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात हो रही हैं, इस हमाम में सारी एक जैसे लोग हैं। एमकेएम ने कहा कि हमने सुली फैसला किया, मेरा ख्याल मुस्लिम लीग नून के लिए ये बात इत्मीनान का बायस होगी कि अपोजिशन ना सिर्फ एमक्यूएम अनिका, पूरी अपोजिशन जो है उसके अंदर दरारें पड़ चुकी हैं। यानी पीटीआई जो है वो कहती थी हम स्टेटस को पार्टियों के खिलाफ हैं, उसको सांप सूंघ गया पीपल्स पार्टी के पीछे, इमरान खान ऐसे खुर्शीद शाह के पीछे खड़े होते हैं जो वो जब चाहते हैं बाइकआउट करा देते हैं, सिंध जाते हैं शाह महमूद कुरैशी पीपल्स पार्टी करप्शन पर एक लफ्ज़ नहीं कह सकते। अब पीपल्स पार्टी का वर्कर, पीटीआई का वर्कर आपस के अंदर एक दूसरे को कबूल नहीं कर रहे हैं। कई ऐसी जमातें अपोजिशन में हैं जो मुखबर का काम कर रही हैं, कोई किसी के एजेंडे पे है, कोई कहीं मिला हुआ है। इस सूरत हाल में अपोजिशन वीक हो रही है, अपोजिशन आपस में लड़ रही है, हुकूमत में। अच्छा फारूक साहब, आज जरा उसके बारे में बात करें, इमरान खान साहब आज खिताब करने वाले हैं, लास्ट टाइम तो कर नहीं पाए थे, उठे ही थे, खुर्शीद शाह साहब ने वॉकआउट कर दिया, आज क्या होगा? मेरा ख्याल आज इमरान खान वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे जो कल नुकसान हुआ है, ये जो निकल गए अपना परसों जब उनका खिताब था, वो खिताब के लिए वो खड़े हुए और सडनली ही वाज टेकन बाय सरप्राइज कि ये क्या हो गया। 2 मिनट के अंदर खुर्शीद साहब और लोग जो है वॉकआउट करके निकल गए। आज मेरा ख्याल है वो तमाम चीज़ें वो शो करेंगे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, और लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि ना तो आज उनकी कोई कवरेज होनी है, पीटीवी उस तरह करेगा, नंबर एक। नंबर दो ये है कि पीएमएलएन के लिए आप देखेंगे आज हाउस की अटेंडेंस ही बहुत कम होगी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। इंटरेस्टिंग बात है, लादा वो आप देखेंगे उसका इंपैक्ट नहीं होगा जो कि इंपैक्ट परसों होता अगर वो वहां पे खड़े होकर करते। लेकिन आप सुने, मैं इस प्रोग्राम में आपको बताना चाह रहा हूं, कल पीटीआई के इनर सर्कल के टॉप एडवाइजर उनसे मेरी कल बात हुई है, और ये तनवीर साहब गवाह हैं कि इनके मौजूदगी में मेरी बात हुई है।
उन्होंने मुझे कहा कि हम कई दिनों से इमरान खान साहब को बता रहे थे कि जनाब ये फिक्स मैच हो रहा है बिटवीन खुर्शीद शाह साहब एंड मेरी बात फिक्स मैच की बात कर रहे हैं एंड द पीएमएलएन। और उन्होंने कहा कि अफसोस की बात ये है कि कुछ पीटीआई के हमारे लोग भी हैं जो इस फिक्स मैच में शामिल हैं। आप फिक्स मैच की बात कर रहे हैं, खुर्शीद शाह साहब कहते हैं कि इस तमाम चीज की सबसे बड़ी हामी जो है वो पीटीआई खुद थी। अगर पीटीआई खुद थी तो फिक्स मैच डाला। देखिए निका, वो तमांचा जो वक्त पे ना मारा जा सके वो किसके मुंह पे लगना चाहे वो आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ। बात ये है कि जो टाइमली मूव करनी थी वो नहीं की, और खुर्शीद शाह ने कल कह दिया कि मुझे श्री मजारी ने कहा था कि आपने तकरीर मुख्तसर करनी है, हमने बाइकाट करना है, हमने जाना है। और श्री मजारी ने जो बात कही थी उसका इमरान खान को क्यों नहीं पता था? यानी आपने एक बंदे को कहा कि तुम पार्लियामेंट में आके जवाब दो, जब वो जवाब दे रहा था आप भाग गए। एक बेसिक बात है वो ये कि ये जो अपोजिशन का अलायंस था जब ये इकट्ठे हुए, ये वैसे ही अननेचुरल था। एएनपी इनकी सियासी हरीफ है क्या, उनके साथ पीटीआई के साथ बैठेगी? एमक्यूएम इनकी सियासी हरीफ है क्या, उनके साथ बैठेंगे? वैसे भी लंदन में आसिफ जरदारी और अल्ताफ हुसैन के आपस में आपके रवाबित नहीं है। उन्होंने एमक्यूएम को कहा तुम निकल आओ। अभी आप देखेंगे एंड में क्या होगा, पीपल्स पार्टी इनको डिच करेगी, ठीक है ना जी, और पीटीआई अलहदा रह जाएगी, शायद जमात इस्लामी इनके साथ होंगे। लेकिन अनिका लास्ट पॉइंट, जो 70 सवाल रेस किए इन्होंने, मैंने कल रात को कोशिश की है सारी पढ़ने की लेकिन हिम्मत नहीं हुई। ये जो नवाज शरीफ साहब ने जुमला बोल दिया ना कि मैंने एक रुपया पाकिस्तान से नहीं भेजा बाहर, जो मैंने जो सवाल रेस किए गए हैं, जो तमाम पैसा यहाँ से बाहर गया है, मैं और जो रेफरेंस दायर हो गया नैब में, और नवाज शरीफ का ही तो नहीं गया, 700 पेजेस का एविडेंस चेयरमैन नैब को दायर हुआ। नहीं, आप दोनों फिक्स मैच की बात कर रहे हैं, जहांगीर तरीन का नहीं गया हुआ है, तो फिक्स मैच के अंदर किस तरीके से हो सकता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब का भी नाम आ रहा है, जहांगीर तरीन साहब का भी नाम आ रहा है, अब शीरी मजारी साहिबा का भी नाम आ रहा है? क्या इमरान खान साहब को नहीं पता कि उनके इर्द-गिर्द कौन लोग हैं और क्या डिसीजन कर रहे हैं? ये तमाम चीजें भी पूछने वाली हैं। क्या इमरान खान साहब पार्टी चला पा रहे हैं या उसके अंदर दरारें पड़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है? लेकिन नाज़रीन, डिसीजन तो एक और भी हो गया और बड़ा अजीबोगरीब डिसीजन हुआ पीसीबी के हवाले से। पहले यूथ फेस्टिवल में एक टीम आई थी यूके से जो कि फेक निकली, उसके हवाले से बातें और तफ्तीश के हवाले से भी बातें सामने आने लग गई। लेकिन अब बेल्जियन क्रिकेट टीम आ रही है, बेल्जियन क्रिकेट टीम आई है और उसने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ खेलना है, लेकिन वो बेल्जियन क्रिकेट टीम जो है बेल्जियन क्रिकेट टीम नहीं है। बेल्जियम की कोई क्रिकेट टीम है भी फारूक साहब या नहीं है? जी देखें, मैं तो हैरान हूँ, इस लेवल के फ्रॉड हो रहे हैं, धोखाधड़ी हो रही है और नैब अभी तक हरकत नहीं आया। राणा मशहूर साहब का ये सेकंड केस है। पहले मुझे बताएं बेल्जियम क्रिकेट टीम है या नहीं? बेल्जियम क्रिकेट टीम इस वक्त आई हुई है, पीसीबी कहता हमें नहीं पता ये कौन लोग हैं, उसमें दो गोरे हैं, वो कौन से दो गोरे हैं जिनको ये क्रिकेट टीम वाले लेके, ये ऑर्गेनाइजर लेके आए, और बाकी सब लाहौर के, फैसलाबाद के, इधर के गुल्लूबट है, ठीक है ना जी। पीएमएल हुआ क्या है, ये पहले भी हुआ था जब यूथ फेस्टिवल हो रहा था, एक बरतानिया से टीम लाई गई कि ये ब्रिटिश टीम जो है क्रिकेट टीम आ रही है, उसमें भी दो तीन गोरे थे, बाकी सारे लोकल लोग थे, ये पीएमएलएन के लोग थे। राणा मशहूर साहब के इनका रब्ता है, आपको पता वो मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स और कल्चर अभी भी है। ये टीम लेके आए, सारा इनकी बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सारा खर्चा उन्होंने क्लेम किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, हमारा टैक्स पेयर पैसा, और चले गए जल शादी करके। अब ये हो रही है, इस टीम आजकल लाहौर में है। नैब जो है अब इस पर मैं समझता हूँ, देखिए राणा मशहूर साहब का बार बार फाइनेंशियल उनके स्कैम आ रहे हैं, ठीक है ना जी। इट इज हाई टाइम राणा मशहूर साहब को तो अरेस्ट करें, पता करें ये क्या फ्रॉड हो रहा है, बिकॉज़ दिस ये अरेस्ट करें। उन्होंने खुद रिजाइन कर दिया, हमें यहां भी करप्शन की बातें सामने आ गई हैं, वहां भी आई थी, कुछ हो तो रहा नहीं। आपको चाहिए कि इधर उधर से खबरें लीक करने की बजाय वो तहकीकात करे, एविडेंस सामने लाए, मुजरमों को पकड़ने की कोशिश करे। बात यह है कि अगर हमजा शहबाज तक ये पैसे नहीं पहुंच रहे तो फिर राणा मशहूर को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? शहबाज शरीफ साहब को ये खबरें नहीं सुनाई दे रही क्या? शहबाज शरीफ साहब ये नहीं कर रहे? और मैं तो इस कौन बंदा है जो राणा मशहूर को बचा रहा है? नैब क्यों पंजाब के आके बिल्कुल बेबस हो जाती है? मेरा तो ये ख्याल है फारूक साहब कि पंजाब गवर्नमेंट, नैब, FIA नहीं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी पंजाब में बेबस हो जाती है। क्या ISPR ने ये बात नहीं कही थी गुलशन इकबाल के थाने के बाद कि हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं, हम खुद ऑपरेशन करेंगे? हम ऑपरेशन नहीं, कच्चे के इलाके में पंजाब में ऑपरेशन की बात कही,
अब वो ऑपरेशन कहाँ है, किस हाल में है, किधर है, पंजाब में आके सब फेल हो जाते हैं, कोई बंदा जो है वो नहीं करता। अच्छा, ये राणा मशहूद साहब की वीडियोस भी बड़ी आई थी सामने, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। मैं अगर मैं खादिम आला साहब की जगह हूँ ना, वैसे तो वो बड़े दावे करते हैं कि मैं करप्शन के खिलाफ ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैं खुद राणा मशहूद साहब को अपने हाथ से पकड़ूं, गाड़ी में बिठाऊं और नैब के ऑफिस में जाकर उनको छोड़ के आऊं कि ये आपका मुल्ज़िम है, अब जो आपने जो करना करे, फिर पता नहीं वहां से रहा हो जाए या क्या हो, वो तमाम चीजें। राणा मशहूद साहब के कितने स्कैंडल सामने आई लेकिन कुछ नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया? क्या करप्शन का ये धब्बा पंजाब हुकूमत पर लगा रहेगा या अलहदा किया जाएगा? एजुकेशन मिनिस्ट्री से खुद रिजाइन किया तो अलग किया गया, नहीं तो करप्शन के स्कैंडल से किसी ने उनको कुछ नहीं कहा। हमारे आज के शो से इतना ही, हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाखबर सुबह के नाम से हम फेसबुक ट्विटर दोनों पर मौजूद हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए दुआ गो रहे। अल्लाह हाफिज़।